नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को आज ईद का दिन है, आप लोगों को ईद मुबारक। और अभी मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज, दिन का स्टार्ट हो गया है। ये जिंदगी की पहली मेरी ईद है जिसके अंदर मैं टाइम पे सो गया। मैं तकरीबन, मुझे याद आ रहा है, मैं 11 बजे जो है वो सोने के लिए लेट गया। और वरना तो नॉर्मली ये होता है कि चांद रात को, यहाँ तो खैर बकरीद पे, ईद उल अज़हा पे जो है ना बहुत रौनकें लगी हुई होती हैं, लोग पूरी पूरी रात ही जाग रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी भाई सुबह ड्यूटी जो है वो सख्त वाली स्टार्ट होनी है, सुबह से इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट होना है, तो मैं जो है वो टाइम पे सो गया था ताकि सुबह बिल्कुल फ्रेश हूँ और एनर्जी के साथ उठूँ। तो अब जा रहा हूँ फजर की नमाज़ के लिए, और फजर की नमाज़ 5:30 बजे है, इसके बाद ईद की नमाज़ 6:30 बजे है। तो दोनों नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ के ही एक साथ मस्जिद से निकलूँगा, और इसके बाद फिर रवाना होंगे हम इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ। तो बस मस्जिद के पास पहुँच गया हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं ईद की नमाज़ के बाद। हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की नमाज़ पढ़ ली है, एक एक्स्ट्रा सूट जो है वो गाड़ी में रखूंगा और इसके बाद हम फौरन निकलते हैं कुर्बानी के लिए इंशाल्लाह। तो वहाँ पे कंटिन्यू। ये देखिए ईद की नमाज़ के बाद का माहौल, सब नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक विश कर रहे हैं, और सब अब जो है वो फटाफट जाएँगे अपने अपने जानवरों को कुर्बान करने के लिए इंशाल्लाह। हम भी जा रहे हैं, और मौसम आप देखें कितना प्यारा हो रहा है। वो देखें सामने रश नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है वो कुर्बानी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद अहमद, कैसे हो बेटा, ईद मुबारक। अदनान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम। तैयार हैं आप 17 जानवर गिराने के लिए? इंशाअल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया। देखें इस इलाके के अंदर हमने सारे जानवर कल अपने जो है ना शाम में मूव करा दिए थे। ये माज गोट का इलाका है और ईद का पहला दिन है, लेकिन देखें यहाँ पे आपको जानवर नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारे, हम यहाँ पे काफ़ी कुएं वगैरह भी बनवा रहे होते हैं, तो ये जो है ना काफ़ी डिजर्विंग एरिया है कि यहाँ पर लोगों के अंदर देखें बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ पर इनको नहीं मालूम कि गोश्त क्या है, कुर्बानी क्या है, यहाँ पर इतना ज़्यादा इनको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता गोश्त वगैरह। तो इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो हम गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम पहुँच गए तकरीबन, और अब जो है कुर्बानी का टाइम भी इंशाल्लाह करीब आ रहा है। ये देखें हम यहाँ पे पहुँच गए, दिस विल बी आवर फर्स्ट, एंड इंशाल्लाह इसके बाद बाकी लाइन से यहाँ पे खड़े हुए हैं जानवर, ये सारे जानवर हैं, और यहाँ पे गैप गैप से खड़े किए हुए, कल रात में बड़ी मस्ती कर रहे थे ये जानवर सारे। वो जानवर है एक, एक वहाँ कोने में खड़ा गया, उसको ये लोग कह रहे हैं सबसे पहले काटें, क्योंकि वो कल से बहुत ज़्यादा उसने जो है ना मस्ती की है, बहुत ही बिका हुआ है। एक ये जानवर है, एक ये जानवर है, और बाकी ये सारे जो है वो लाइन से खड़े हुए हैं यहाँ पे। दो जानवर जो है वो कुर्बान कर दिए हैं, और बाकी जो है वो अभी कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पे पीछे इलाका अहले मोहल्ला को देखें ज़रा कि कितनी खुशी है, और सारे बच्चे जमा हुए हैं, एक तो कुर्बानी की वजह से भी, और दूसरा इस पूरे इलाके के अंदर, मतलब आप गाड़ी लेके निकल जाएं आपको जानवर नहीं नज़र आएंगे। अब आप सोचें जिस इलाके में आपको जानवर कुर्बानी के ना नज़र आएँ, यार वहाँ पर गोश्त तकसीम करें तो कितनी कितनी मतलब दिल से खुशी होगी यार। और ये लोग, इन लोगों के बच्चे जब अच्छा अच्छा खाना बना के खाएँगे, गोश्त खाएँगे, तो कितना सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जानवर जैसे ही बाहर कट रहे हैं, इसके बाद जो है वो अंदर जो है वो यहाँ पे गोश्त बन रहा है। यहाँ अंदर पूरा हमने सेटअप किया हुआ है, और ये पूरा क्योंकि बारिश का मौसम है तो हमने टेंट वगैरह लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो सारा गोश्त बनेगा इंशाल्लाह। और जैसे जैसे गोश्त बनता रहेगा, हमने इस इलाके के अंदर टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और इस तरह लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह, अपना अपना गोश्त लेके जाते रहेंगे। यहाँ पे पैकिंग का सिलसिला चल रहा है, और जैसे ही जो है वो 2-3 जानवर पैक हो जाएंगे, इतने इसके साथ ही हम डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। 2.5 से 3 किलो का अप्रॉक्स जो है ना एक बैग बना रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो गोश्त पहुंच सके। ये जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल। ये देखें अब जो हमने एक दिन पहले टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, वो लोग जो है वो आते जा रहे हैं। हमने इसी के अकॉर्डिंगली टाइम दिया था उनको कि एक एक स्लॉट होता जाए और ये लोग अपना गोश्त कलेक्ट करते जाएं। तो हर घर के अंदर एक टोकन जो है वो दिया गया था, तो ये लोग आ गए हैं गोश्त लेने के लिए, और इंशाल्लाह ये लेके जाते रहेंगे, टोकन देते जाएंगे, और जो है वो गोश्त के अपने पैकेट लेते जाएंगे। तेरी दुआओं की बदौलत
अजाबे रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर। तो कुर्बानी के दिन का, ईद के दिन का जो फर्स्ट डे था, उसका रूटीन जो है वो तकरीबन एक हद तक मुकम्मल हो गया, क्योंकि मेरी हालत जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई, कपड़े भी खराब हो गए, इसीलिए मैंने सोचा वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। अभी तकरीबन हमने 11 जानवर जो है वो कुर्बान कर दिए हैं, और इसके बाद बकाया जो है वो 6 जानवर और हैं, वो कुर्बान हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद फिर सिलसिला क्या होता है हमारे यहाँ पे रूटीन ईद का, कि इसके बाद जो रिश्तेदारों वगैरह के अंदर गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आपने, वो होगा, मतलब हर कोई अपने रिश्तेदारों के पास जो है वो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता है, और फिर शाम में या अगले दिन से जो है वो बारबेक्यू का सीन स्टार्ट होता है। होपफुली आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी, मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुस्तफा हनीफ 26 के नाम से मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।